हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो आज मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक की सर्विस करवाने, जो कि इंजन का काम आ चुका है इसके अंदर। तो गाइस अब देखते हैं वहाँ पे कितना पैसा लगेगा, और मैं जा रहा हूँ सिंगापुर हमारे पास के शोरूम के अंदर ना गाइस। तो वहाँ पर मिलते हैं आपको और वहाँ पर बातचीत करते हैं कैसे क्या रहेगा गाड़ी का, और सारी चीज़ बताता हूँ मैं आगे वीडियो में, ठीक है ना गाइस। ये पूरी ऐसी रोड है कच्ची, और कम से कम यहाँ से होगी 4 से 5 किलोमीटर ऐसी रोड मिलेगी मेरे को। और ऐसी रोड की वजह से ही गाड़ियाँ ख़राब होती हैं गाइस। और मैंने क्या है कि दो बार बिना ऑयल की गाड़ी चला दी थी, इसकी वजह से मेरी गाड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो अभी तो अच्छी चल रही हैं, बट उसका हम लोग इलाज करवाना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाकर वो ज़्यादा परेशानी ना हो, इसीलिए। तो अब जा रहे हैं हम लोग, और सॉरी मैं अकेला जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरे मौसी का लड़का आने वाला था, तो कुछ काम की वजह से वो नहीं आ पाया। और अब और तो आप देख ही नहीं गाई, तो अब मिलते हैं वहीं पर, ठीक है ना गाई। रस्ते में मैं कहीं रुकूँगा तो अपन बातचीत करेंगे, और यहाँ का यूज़ भी बताने वाला हूँ कि कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे को दिखेगी, जो आपको के द्वारा बताऊँगा। ये पूरी नर्सरी है, और यहाँ पर नर्सरी है, और पूरा जंगल इलाका है, और यहाँ पर रात को लोग पास आने में डरते हैं। रोड आपको, मैं अभी एक हाथ से गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे को भी डर लग रहा है कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ, और गाड़ी के पास साथ में मेरा भी इलाज करवाना पड़ेगा, है ना गाइस। तो मिलते हैं आगे आप, और मैं वहाँ पर बात करूँगा तो आगे क्या होगा। तो गाइस मेरी गाड़ी सर्विस सेंटर पर डाल दी है, और अब मैं घर पे जा रहा हूँ पैदल पैदल, क्योंकि गाड़ी तो वहाँ रख दी है, और वहाँ पर खर्चा आएगा 10 से 12 हज़ार का। और मैंने भाई को कॉल नहीं उठा रहा है, वो लेने आ रहा था, अब पता नहीं क्या है उसका सीन। और अब मैं पैदल चल रहा हूँ, और ये कड़ी धूप में, ठीक है ना गाइस। और अभी तो चलना है मेरे को बहुत आगे, भाई अगर लेने आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो मेरे को पैदल पैदल ही चलना पड़ेगा, ठीक है ना गाइस। और बहुत ख़तरनाक धूप पड़ रही है, ना पानी है, और बहुत जोरदार की प्यास भी लग रही है, ठीक है ना गाइस। इस कड़ी धूप में मेरे को पैदल चलकर बहुत टाइम बाद पैदल चलाऊँ, और जब मैंने गाड़ी की सर्विस के बारे में पूछा कि कितना खर्चा आएगा, तो जब खर्चा सुन के मेरी फट के हाथ में आ गई थी, और क्योंकि मेरे पास अभी पैसा बिल्कुल भी नहीं है, और गाड़ी मिलेगी कल शाम को 5:30 तक, तो मेरे पास आज का दिन है और कल का दिन है, तो इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके मैं गाड़ी से करवाऊँगा, ठीक है ना गाइस। खाइस और गाड़ी का खर्चा बताया था मेरे को 9 से 9.5 हज़ार रुपये, जो इंजन का काम है, बाकी की अगर अदरवाइज सर्विस कराएंगे तो वो 11-12 हज़ार के लमसम पहुंच जाएगी। और मैंने कंपनी के अंदर ही करवा रहा हूँ, क्योंकि बाहर तो बहुत पैसा लेंगे और गारंटी लेंगे, और उसमें 1 साल की गारंटी है, तो बहुत ही अच्छी बात होगी मेरे लिए, और मैं अब ढंग से गाड़ी चलाऊँगा और बहुत अच्छी केयर करूँगा। गाइस ये 2 किलोमीटर हुए पापा की परी गांव में, और वहाँ मैं जाना वाला हूँ, और जब तक मेरा भाई भी आ जाएगा मेरे हिसाब से, अगर नहीं आता तो मेरे को पैदल तो चलना ही है। और इन लोग बागों ने ऐसा नाम रख रखा है गांव का, है ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और ये बाइक की सर्विस हो गई है, और तो माफ़ी चाहूँगा मैं आपको वीडियो नहीं बना पाया, वहाँ का शोरूम खर्चा हो गया है 5 किलोमीटर पर, वापस 5 सर्विस करवानी, उसके बाद 2-2 हज़ार किलोमीटर पर मेरे को सर्विस करवानी पड़ेगी। और गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, और बहुत अच्छी सर्विस करी है, और गाड़ी ये देख सकते हो आप, मैं आपको बताता हूँ, ये देख सकते हो आप गाइस, ये पूरी गाड़ी ऐसे लग रही है कि नई की नई है, और इसका बहुत खर्चा हुआ है गाइस, और गलती मेरी थी गाइस, इसकी वजह से ये खर्चा हुआ है, ठीक है ना गाइस। गाइज और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत अच्छी चल रही हैं, और माफ़ी चाहूँगा पूरा वीडियो नहीं बना पाया, और मेरी भी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, ठीक है ना गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।